और उत्तर प्रदेश में लगातार विधानसभा चुनावों से पहले लगातार अलग अलग राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रहे हैं और ऐसे में अखिलेश यादव जनादेश रैली करने जा रहे हैं, लेकिन रैली स्थल से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। क्या तस्वीरें सामने आई जरा आप देखिए। पूर्वांचल के अम्बेडकर नगर में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की थोड़ी देर में एक बड़ी जनसभा है, जहां पर पूर्व मंत्री रामचल राजभर, पूर्व मंत्री लालजी वर्मा शामिल होंगे। तमाम समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या यहां पर बढ़ गई है, लेकिन ये जो मंच लगाया गया है, ये रामचल राजभर का कॉलेज है इनके विशाल प्रांगण में। लेकिन देखिए, महंगाई पर वार किया गया, महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा, इस नारे के साथ आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर लगाया गया है। एक तरफ जनसभा की जा रही थी, दूसरी तरफ मुद्दा भी बनाया जा रहा है महंगाई को। मंच पर तमाम नेता इस समय मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है अखिलेश यादव के आने का। अंबेडकर नगर की एक बड़ी रैली का आयोजन रामचल और लालजी वर्मा की तरफ से किया गया है, क्योंकि ये लोग अब तक बहुजन समाज पार्टी में थे, अब समाजवादी पार्टी में आएंगे, तो एक बड़ी भीड़ बुला करके ये दिखाने का भी प्रयास किया जाएगा कि अंबेडकर नगर की जो जनता है, जो वोटर हैं, वो रामचल राजभर और लालजी वर्मा के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद हैं और एक सफल रैली का आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ मुद्दे हैं तो दूसरी तरफ सफलतापूर्वक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हों, जनता भी उनके साथ रहे, वोटर भी उनके साथ रहे, इसी का प्रयास किया जा रहा है। और थोड़ी देर में अखिलेश यादव इस मंच पर आएंगे और यहां से संबोधन करेंगे और इसके बाद साथ ही लालजी वर्मा और रामचल विधवा समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, यानी कि सपा में शामिल हो जाएंगे। कैमरामैन हरिओम के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज अम्बेडकर।